channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कई झटके लगे हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिया है। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका उसके अपने ही विधायक मनोज पांडे ने दिया है। दरअसल मनोज पांडे की गिनती समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के करीबियों में होती थी। वह सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं थे बल्कि वह विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक भी थे। मनोज पांडे की प्रतिक्रिया को पार्टी की प्रतिक्रिया तक माना जाता था। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने अपने ही पार्टी के साथ बगावत कर दी और भाजपा उम्मीदवार को वोट दे दिया। इसके बाद से ही मनोज पांडे चर्चा में हैं। दरअसल बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे से जब एक चैनल के इंटरव्यू में बातचीत किया गया, इस दौरान मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिए। मनोज पांडे का कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार भगवान श्री राम पर राजनीति कर रही थी और उन्हें गाली दे रही थी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी में रामचरित मानस से लेकर भगवान हनुमान, मां लक्ष्मी और सनातन धर्म को भी गाली दे गई। अब ये सब सहन शक्ति से बाहर हो गया था, मनोज पांडे का कहना है, इसलिए उन्होंने अपने ईमान से ये फैसला लिया है। हिंदू देवी देवताओं पर हो रहे थे लगातार टिप्पणी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाने वाले सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी में लगातार जाति और धर्म के नाम पर लोगों को अपमान किया जा रहा था और ये अधिकार तो किसी का भी नहीं है। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही थी, ये बर्दाश्त के बाहर था। मनोज पांडे का यह भी कहना है कि वह इन सब बातों से काफी ज्यादा आहत थे। वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव की कार्रवाई का सामना करेंगे। बातचीत के दौरान मनोज पांडे ने अखिलेश यादव द्वारा किए जाने पर कार्रवाई की बात को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो भी कार्रवाई करेंगे वह उसका सामना करेंगे। मनोज पांडे ने कहा कि मेरे लिए राजनीति का लक्ष्य सिर्फ पैसा और पद नहीं है, मेरे लिए राजनीति गरीब मजदूर और किसान के लिए लड़ना है। सपा को 31 साल दिए हैं, पार्टी के लिए लाठियां खाई है और जेल भी गए हैं। श्री राम को लेकर विवादित बयानबाजी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दौरान मनोज पांडे ने कहा कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। लोहिया और मुलायम ने हमेशा एकता की बात कही है, मगर भगवान को गालियां दी जाएगी ये भारत देश में रहने वाले हिंदू कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस दौरान सपा विधायक ने कहा कि वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो ये वजहें आ रही हैं जिसकी वजह से जो सपा के विधायक थे वो क्रॉस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। बाकी इस तरीके की चीजें जो सामने आ रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।